पब्लिक टीवी आपकी आवाज। गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, शासन के निर्देशों का पालन करती हूँ, निष्पक्ष रूप से समस्त कार्य मेरे द्वारा किया जा रहा है। जो भी बड़े बकायेदार हैं उनकी कार्यवाही लगातार नगर निगम द्वारा की जाएगी। बड़े बकायेदारों से वसूली की प्रोग्रेस के संबंध में प्रमुख सचिव द्वारा मीटिंग भी बुलाई जा रही है। प्रमुख सचिव की उक्त मीटिंग के आदेश में नगर आयुक्त महोदय द्वारा भी बड़े बकायेदारों से वसूली हेतु अनवरत आदेश दिए जा रहे हैं। अपने उच्च अधिकारियों का आदेश के अनुपालन में बड़े बकायेदारों से लगातार संपर्क निष्पक्ष भाव से किया जाए। मुसाफिर खाना यहाँ पर एक है स्थित, और मुसाफिर खाना का टैक्स जो बनाया गया है आपकी तरफ से लगभग 30 लाख रुपए बनाया गया है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये 30 लाख रुपए एक दिन में नहीं बन गया, एक साल में नहीं बन गया, 5 साल में नहीं बन गया, आखिर ऐसी क्या वजह है जो ये टैक्स 30 लाख रुपए बनाया गया है? ये आज तक का है या एक दिन का है या एक साल का है या 25 साल का है? ये टैक्स 6 सालों का है। ये मात्र 6 सालों का टैक्स, ब्याज बकाया पे 12% पर ईयर के अनुसार है। तो इस तरह बकायेदारों से क्रमवार संपर्क किया जा रहा है। इनसे संपर्क मेरे द्वारा पिछले साल भी अपन नगर आयुक्त महोदय के साथ किया गया, अपनी वसूली के टीम के साथ इस साल भी किया गया है। अच्छा, मिड टाउन क्लब है, मानसरोवर पैराडाइज है, चड्डा कॉम्प्लेक्स है, मेया ब्रास वाले आदि हैं, तो इनके ऊपर तुरंत कार्रवाई किस प्रकार की हो रही है? देखिए, चड्ढा कॉम्प्लेक्स को बिल मांग नोटिस दिया जा चुका है। अग्रिम सीलिंग संबंधी कार्रवाई नेक्स्ट वीक में हमारे द्वारा की जाएगी, और जो मेवा ब्रास है इन्हें भी बिल मांग नोटिस दिया जा चुका है, इनकी भी सीलिंग संबंधी कार्रवाई स्टेप बाय स्टेप की जाएगी। और ये जो है मिड टाउन है या ऋषि छावड़ा का जो है, ये मामले माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, फिर भी इन्हें बिल मांग नोटिस दिया जा रहा है। इनसे भी वसूली की कार्रवाई लगातार कर विभाग के अधिकारियों द्वारा की जा रही है। जिस तरह के आरोप निराधार हैं, जो भी व्यक्ति काम करता है उसकी लोग शिकायत करते हैं। कुछ बड़े बकायेदारों से, शहर के समस्त बड़े बकायेदारों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि वो अपने जलकर गृहकर की वसूली समय से, गृहकर जलकर की अदायगी समय से करें, 12% ब्याज से बचें, सीलिंग संबंधी कार्यवाही से बचें। नगर निगम द्वारा या कर विभाग द्वारा किसी भी प्रकार की एकपक्षी कार्यवाही नहीं की जा रही है। शासन, प्रमुख सचिव एवं नगर आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार समस्त बड़े बकायेदारों पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी, और कार्यवाही उसी क्रम में जो मुस्लिम मुसाफिर खाना था इसकी बकाया की वसूली के लिए अपन नगर आयुक्त महोदय और हमारी कर की पूरी टीम विगत वर्ष भी इनके पास वसूली हेतु गई थी, इन्होंने मात्र 3 लाख रुपए दिए थे, पुनः बकाया की वसूली हेतु इनसे संपर्क किया गया, इन्होंने अभी कोई भी पैसा नहीं दिया। केवल दुकानदारों ने 1 दिसंबर को 1 लाख रुपया कैश जमा किया है। अभी मुसाफिर खाने से किसी तरह का पेमेंट नहीं आया, पेमेंट आते ही उनकी सीलिंग खोल दी जाएगी। इसके अलावा शहर में अगला हमारा कदम है राशिद एक्सपोर्ट, जिन पे 1.5 करोड़ बकाया है, हक ब्रदर्स जिन पे 65 लाख बकाया है, चड्ढा कॉम्प्लेक्स जिन पे 2 करोड़ बकाया है, सत्यम 36 लाख बकाया है, क्रास मालिन 46 लाख बकाया है। इस तरह जो भी बड़े बकायादार हैं उन पर लगातार कार्रवाई शासन के निर्देशानुसार की जाएगी। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।